भाई का बगीचा स्थित SBI बैंक के ATM में सेंध लगाने की कोशिश करने वाले आरोपी को बेलबाग पुलिस ने पकड़ा। विगत 19 दिसंबर को भाई का बगीचा स्थित SBI बैंक के ATM पर तड़के सुबह 4 बजे के आसपास चोरी का प्रयास किया गया था। बेलबाग पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर पूछताछ एवं जांच पड़ताल करते हुए मंडला भाग चुके आरोपी को गिरफ्तार किया। 19/12/2021 को करीब 2-3 बजे करीब ATM का चौकीदार सतीश तिवारी को है थाना आया और इसने बताया कि हमारे ATM में रात में किसी ने काटने का प्रयास किया है, तो उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया चोरी के प्रयास का और प्रयास करके इसकी तलाश चालू की गई। तलाश के दौरान वहां लगे हुए सब फुटेज को खंगाला गया और फुटेज को खंगालने से जब फुटेज को देखते देखते अपन ने इधर गवापुर चौक और सब तरफ का देखा तो वो वहाँ के फुटेज केवल वहीं के आसपास ही वो आ रहे थे, तो हम लोगों ने फिर कुलियों के फुटेज को खंगालना चालू किया। जहाँ भी ATM को लगे हुए थे कैमरे वहाँ से फुटेज जब हमने खंगालना चालू किया तो कल शाम को हमको ऐसा फुटेज मिला कि गन्नू गुप्ता के मकान में एक हॉस्टल बना हुआ है, हॉस्टल जहाँ कुछ लड़के रहते हैं ऐसी सूचना। वीरेंद्र मरावी है, पिता मूलचंद मरावी है, ये पाइप फैक्ट्री रोड शांति नगर कटरा मंडला का रहने वाला लड़का है जो यही रहता है, इन्हीं गन्नू गुप्ता के मकान के कमरे में रहता है और अभी वो 20 तारीख को यहाँ से चला गया है। तो फिर उसकी तलाश के लिए हमने पार्टी रवाना किया मंडला और वहाँ से फिर उसे वीरेंद्र को हमने वहाँ से लेके हमारी पुलिस आई और लाने के बाद उससे पूछताछ की गई तो संपूर्ण घटना को कबूल किया। उसके कब्जे से गैस का सिलेंडर जो LPG का बरामद किया गया और इससे पूछताछ की गई तो ये बताया कि मैंने गैस का सिलेंडर जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर और कटर मैंने भंवरताल में अग्रवाल के यहाँ से 5-7 दिन पहले मैंने खरीदा था और इस चीज को मैंने यूट्यूब में देखा था और यूट्यूब में देखने के बाद मैंने इस घटना का प्रयास किया था क्योंकि ये सट्टा और जुआ खेलता था जिसमें इसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, इसलिए इस कार्य को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था जो गिरफ्तार किया गया है। और पता चला है कि इन्होंने कुछ वायरिंग और सेंसर्स वगैरह भी काट दिए थे, तो क्या इनको जानकारी थी? वो उसके ATM में जो अपना को लगे हुए थे कैमरे उनके वायरों को भी इन्होंने काट दिया।